हेलो नाज़रीन, कैसे हैं आप सब जी। आज आप लोगों के लिए फुल टेनिस का ब्लॉग लेके आई हूँ कि हम एवरी संडे 5 घंटे कैसे टेनिस खेलते हैं। होप आप लोगों को ही मेरा ब्लॉग पसंद आएगा और शुरू करते हैं। शुरू तो हमने सफ़र से ही शुरू किया है, ठीक है, और होप आप लोगों को पसंद भी आएगा। बहुत सनी डे था, धूप बहुत ज़बरदस्त थी और मैंने कहा चले आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि ऐसे वैदे में मैंने क्या है कि बहुत सारे लोग जैसे मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं तो वो कहते हैं नहीं बहुत धूप से हम बाइक नहीं आ सकते हैं, बहुत गर्मी है बाइक, तो हम लोग गर्मी में ही बाइक नहीं करते। मुझे तो गर्मी पसंद है और बच्चों ने भी प्लान किए हुए कुछ अपने। खैर ये देखो हम पार्क में पहुँचे और पार्क में देखो कुत्ते ही कुत्ते हैं, ठीक है। हम अपने बच्चे लेके आए हैं, वो अपने कुत्ते लेके आए हैं पार्क में। सवेरे सवेरे किंदा दिल करता है कि उठ के कुत्तिया पार्क से लेके जाइए, इन्नी दूर किसी का दिल नहीं करता। खैर एक गोरे है, उन्हें एक गोरे आप लोग नहीं होते, इन्हें एक एक गोरे ने तीन तीन चार चार कुत्ते रखे हुए ने भाई, समझ नहीं आती घर च बंदे घट तो कुत्ते क्यों बहुते होंगे इन्हों के, ऐ मैनू अजे तक समझ नहीं आई। खैर उसके बाद हम पार्क में पहुंचे, पार्क में देखो बहुत ज़बरदस्त धूप थी और लोग देखो पार्क जो हमारा ना टेनिस कोर्ट बड़ा हुआ था लोगों से, ठीक है। सुबह ये सारा हमारा ग्रुप आया होता है तो उसके बाद जब धूप ख़त्म होगी ना लास्ट में देखना कि हम कितने लोग रह जाते हैं, क्योंकि इन गोरों को धूप भी बहुत अच्छी लगती है और बाघ भी बहुत जल्दी जाते हैं ये। तो आप लोगों को मेरा ये पसंद आएगा ब्लॉग। उससे पहले हम खेलते और बच्चों ने क्या किया कि रात को वाटर बलून के जो भर के ना वाटर उसके अंदर तो रखे हुए थे, जब वहाँ जाके हम फाइट करेंगे। मैंने कहा चलो लास्ट में प्ले करना, अभी तो ठंडा ठंडा वेदर भी है, ठंडी हवा भी है, तो चलो बाद में। कहते नहीं असी सारी रात पार के रखे ने तो तू सानू कहती असं हम खेलिए भी ना, कितनी नहीं मनी जो करना कर ले बीबी। खैर उसके बाद ये खेलते रहे, मैंने कहा चलो इनके साथ थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ भी मैं भी खेलूँगी, क्योंकि ये तो इधर ही अभी खेलेंगे थोड़ी देर इधर फिर टेनिस पे आ जाएंगे। तो ये देखो ये जोया और जियान अपने घर से ऐसे छोटे छोटे बलून हैं, इतने बहुत ज़्यादा महंगे नहीं मिलते, ये छोटे बलून आपको बहुत सस्ते मिल जाते हैं। बच्चे ऐसे खुली जगह पे खेलते हैं, कुछ लोग नहीं लाइक करते किसी के बच्चे, मेरे बच्चे पानी वाली चीज़ें बहुत पसंद करते हैं, वाटर गन हो गई, पानी के बलून हो गए, पानी हो गया, कहीं भी बस उनको पानी चाहिए होता है खेलने के लिए। तो चलें मैं टेनिस के लिए जाती हूँ, इन्होंने तो यहाँ पे खेलते रहना है, सामने है थोड़ी नज़र भी रहती है, हम भी साथ रखते वैसे, लेकिन मैंने कहा चले ये थोड़ी खुली जगह पे खेल ही लें तो बेहतर है। इसी तरह अपने बच्चों को लेके आया करें, लोग देखो अपने कुत्तों को लेके आते हैं, आपने फिर अपने बच्चों को लेके आना है। तो मैं जाती हूँ, आप मेरा व्लॉग देखिए, इसको मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी। Thank you.
for this next point. Under off. Get ready. Go, move. That a boy. Yeah. All right. That's it. 5-3. We got 3 points now. Get ready. Move.
up, up. Lift the ball up. Yeah, no, you didn't that. You hello, Zoya. You're short anyway. Look. No, hello. Out. That was long. Second serve. Give her the ball. Come on, man. Get with the game. Oh, wrong way. I tried it. Come on, Danny. That's it. Oh, good man. Good man. Top man. ये अभी तुम यूके में हो, इतना अच्छा वेदर मिला हुआ है। ये पाकिस्तान में होते तो मरने वाले हुए होते हैं। कौन सोया है? मैंने तो उतार लिए, तुमने कौन से डाले बाहर कपड़े? वेल डन ज़ियान। That's it, keep an eye on the ball, watch the ball. Well done, Zion. Good shot. I'm going to hit the ball in the air. मुझे हवा में नहीं मारना आया अभी। मैं मुझे हवा में मारना नहीं आता अभी। Good man. Oh. And harder. Higher and harder. Don't be scared to hit the ball. ये देखी। So, what is it? 3-4, 4-2. They got 4. We got 4. Oh, you got 4. ये मैं और जोया देखो बैठ से, हम बैठे आराम से रेस्ट कर रही हैं। हम टेनिस खेलने आई हैं, रेस्ट करने आई हैं। हम थक जाते हैं बेचारे। सुबह आते हैं 8:30 से लेके और 3 बजे तक, 5 घंटे। नॉट द इजी जॉब। जान एक्टिव है, उसने 3 केले खाए हुए। उसके अंदर सुपर पावर की तरह ना जज्बा और जुनून आया हुआ है। ओह माय गॉड, बनाना आप काम कर रहे हैं। तुम्हारा भी बनाना वर्क कर रहा है जोया। वही नहीं बनाना। Okay, Johnny, listen to my voice. I can explain now. Okay. Second serve. Hang in there, hang in there. Come on, Johnny, you guys are losing. You better get to the ball. Watch the ball. Boom. Oh, Zion! मैं इतना अच्छा नहीं खेल सकती जितना अच्छा ज़ियान खेल लेता है। ज़ियान कोई शॉट नहीं छोड़ता, जो हम नहीं सोचते हैं ना जी वो शॉट मारता है, और जिस हमने लगता है कि ये नहीं कर पाएगा लेकिन ये कर पाता है, और जो हम सोचते हैं ये कर लेगा वो ये छोड़ देता है। बड़ों के साथ बराबर खेल रहता है। आई कॉन्ट बिलीव, माशाल्लाह। आप भी अपने बच्चों को ऐसे थोड़ा ट्रेन किया करें, क्योंकि बच्चे तब तक घर से बाहर नहीं निकलते जब तक माँ बाप खुद नहीं निकलते हैं, ठीक है। तो बच्चे जब अकेले भी जाए ना तो वो फिर तंग पड़ जाते हैं, बोर हो जाते हैं। मैं इनको होता है कि चलो पीछे सामने पार्क भी है, वहाँ पे भी चले जाते हैं, पीछे लेक पे ले जाती हूँ उनको, उसके बाद रिवर भी है यहाँ पर, कभी वहाँ पर भी ले जाती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट डे पर, ये नहीं है कि एवरी डे। फिर उसके बाद कभी कहेंगे हमने यहाँ जाना है तो वहाँ पर जाएँगे, इस तरह वो बोर भी नहीं होते ना। थोड़ा इस पार्क के अंदर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हैं कि बच्चों का मन लग जाता है हर तरह की। इनको घर से हम खाना पीना भी ले आते हैं, ड्रिंक, क्रिप्स, फ्रूट, जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो इसलिए मुझे ज़ियान के जब पीछे खड़े होकर बॉल को मारना होता है ना, मैं डर जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कहीं मैं ज़ियान को ना मार दूँ। और जब ये अपने अपा के साथ खेल रहा होता है ना तो वो कर लेता है। मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे को समझ गए हैं, किसको पता है कि वो मारेगा तो कि नीचे हो जाता है या अरे मैं अभी तक समझ नहीं पाई हूँ, क्योंकि मैं डर जाती हूँ। मुझे लगता है कि ये नो किसको रैकेट लग जाए। मैं बड़ी मुश्किल से खेलती हूँ ज़ियान के साथ, इजी नहीं होता ज़ियान के साथ खेलना।
और इसका डैडी इसको बताता भी रहता है साथ साथ, एक ये उसकी बात सुनता भी, जब उसको बता रहा होता है ना ऐसे ऐसे मारो ऐसे मारो ऐसे मारो, तो ये वैसे ही कर रहा होता है। और बहुत थक गए थे आज, उसके बाद हम वापस घर भी आए, तो वो भी आपको बताएंगे कि हम घर में भी आके आज क्या क्या किया। तो ये होते हैं हमारा संडे वाला दिन। मेरी फ्रेंड एक ने प्लान किया था बच्चों को कहीं लेके जाने के लिए ना, तो मैंने कहा नहीं, संडे ट्रेनिंग डे होता है और इसके डैडी का भी मूड ख़राब होता है कि एक दिन मैंने ट्रेनिंग करनी होती है, तो आप अपने प्लान बना लेते हो, तो फिर बच्चों की भी ट्रेनिंग का फिर ना वो एक सिस्टम नहीं रहता, इसलिए बच्चों को भी लाइफ के अंदर ना रूटीन बन जाती है कि एक दिन हमने अपनी एक्सरसाइज के ऊपर टाइम देना है, अपनी किसी गेम के ऊपर टाइम स्पेंड करना है। तो ये भी शुरू से बच्चों को आदत बन जाती, फिर बच्चे ना इधर उधर डकमगाए भी ना सीधे रास्ते पे जल्दी आ जाते हैं। तो बच्चों को शुरू से ही इन चीज़ों पे लगा देना ज़्यादा बेहतर है मुझे लगता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं पैसे के पीछे दौड़ना शुरू हो जाते हैं या फिर अपनी अपने आप के साथ इतना बिजी हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान वाला सिस्टम तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, बड़े हो जाएंगे अपनी लाइफ इनकी बिज़ी होगी, शायद ये टाइम नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी माँ बाप का जो काम बनता है वो भी उनको टाइम दें, कल को जितना वो हमें टाइम देंगे वो तो अल्लाह का ऊपर भी हमें छोड़ देना चाहिए। कि कुछ लोगों के मैंने देखा है कि सोच ये है ये कल को बच्चे आपके नहीं बनेंगे, ये ब्रिटिश बॉर्न है तो ये कल को आपको पूछेंगे नहीं कि वो तो ठीक है वो बात का मामला है, हम ये सोच के बच्चों को टाइम ना दें कि ये कल को हमारे बनेंगे नहीं तो हम इनको टाइम आज ना दें, ये भी बहुत गलत चीज़ है। तो इसलिए ये आपके बच्चे हैं, आप इनके साथ प्यार से रहेंगे तो कल को भी आपके साथ प्यार से रहेंगे, अच्छे की अच्छी सोच हो तो अच्छा आपको मिलता है, तो जैसी आपकी सोच होती है ना आपको वैसा ही चीज़ें मिलती हैं, तो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। आई होप अल्लाह ताला बेहतर करेगा, अल्लाह ताला को जो पसंद है मेरे हक में बेहतर है, मुझे वही मिलना चाहिए, ना ही कि मैं किसी को तकलीफ़ दे के या किसी से ज़बरदस्ती कुछ नहीं मांगती हूँ, मेरी शुरू से आदत है, जो मेरे लिए बेहतर है मैं हमेशा वही कहती हूँ कि मेरे नसीब में जो है मुझे वो मिले, दूसरों का दिया हुआ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा रब काफ़ी है मुझे सपोर्ट करने के लिए, तो अल्लाह ताला ने बहुत मेरा साथ दिया है। और आप भी अच्छा अच्छा सोचा करें मेरी तरह, तो इसलिए मैंने कोशिश की चलो आप लोगों को एक आपके बच्चों, क्योंकि बच्चे ना अभी आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो आप इनके साथ हैं, इसके बाद बच्चे आप बड़े हो जाएंगे इनकी अपनी है बच्चों के साथ फ्रेंडशिपें और आना जाना खाना पीना सैर तफरी गेमें खेलना हो जाएगा, बड़े होंगे बड़े फ्रेंड होंगे तो उनके साथ खुद ही चले जाया करेंगे खेलने, तो ये आपके काबू में नहीं आने वाले, तो बेहतर है कि जो आज के पल है आप उसको जिए, कल किसने देखा कौन जाने, तो इसलिए आप भी मेरी तरह आज का वक्त इंजॉय करें, कल का मत सोचें। तो आप लोगों को मेरे ये ब्लॉग से मोटिवेशन मिलती होगी, और मैं बस ऐसे एज ए इंटरटेनमेंट के लिए या आप सोच लें बच्चों की खुशी के लिए, क्योंकि जान को लाइक करता है कि जब मैं जाती हूँ इसको देखती हूँ और इसको अप्रिशिएट करती हूँ, इसके एक एक बोल पे कहता है देखो देखो मम्मी देखो मैंने कैसे मरा उसी, तो ये चीज़ें बच्चों के लिए बहुत अहम होती हैं, बच्चों को अच्छा भी लगता है कि उनके पेरेंट्स उनको देख रहे हैं। मेरे ना यहाँ पे जो है ना पाँव के अंदर ट्रल पड़ गया था, बड़ी मुश्किल से मैंने सारा रुपये हम पूरे तरीके से वहाँ पर हार गए थे, पेड़ का वक़्त हुआ चाहता है नाज़रीन। मेरे ना जोया आज मेरी बड़ी कॉपी कर रही थी, नाज़रीन नाज़रीन कह रही थी, मैंने किसने मेरी व्लॉग से सुन लिया ना मैं कैसे बात करती हूँ। उसके बाद हम आए थे लेक की तरफ, ठीक है ये देखो कितनी खूबसूरत लेक है, मैं ना लाइव के ऊपर भी थी तो मुझे कोई कह रहा था कि ये लस्टर की है, तो मैंने कहा नहीं लस्टर नहीं ये बर्मिंघम में है, कह रही थी शायद सिमिलर लस्टर के अंदर भी ऐसी ही लेक है,
तो बहुत ब्यूटीफुल है ये देखें। जैसे आप ऐसे भी घर से जब बाहर निकलते हैं ऐसी जगह देखते हैं बैठते हैं यहाँ पे तो खबर ये अच्छी सी एक वाइब मिलती है। सलाम, स्विमिंग हो रही है? नहीं नहीं अभी स्विमिंग नहीं हो रही, इधर नहीं जा सकते, ये पानी बहुत गंदा है। लोग पसंद आएंगे, दरिया नहीं है ना, ऐसे लेक सी बनी हुई है। कुछ अच्छी चीजें दिखाने की तो कल लेके जाऊंगी इनको स्विमिंग पूल। अच्छी आपको लोगों को नहीं, लस्टर पार्क नहीं है, ये हैंडवर्क में पार्क हैंडवर्क बर्मिंघम के अंदर है। देखो ये अब इनका बस नहीं चल रहा कि अब डक बैठी है तो लस्टर में भी ऐसे होंगे, लेकिन लेक हर जगह पे इन्होंने बनाई हुई है, हर पार्क के अंदर पर काएं ऐसी सेम सेम दिखती होंगी। मैं भी बहुत ही खूबसूरत है ये ना, आर्टिफिशियल है। मैं लाइफ जो तारी थी मैंने कहा ये ना कितनी बड़ी लग आर्टिफिशियल है, हजियान को राम नहीं लग रहा है कसम से, खुद बनाई है ये, है नहीं है आर्टिफिशियल है। जितने पार्क है उनकी लेक होगी रिवर होगी सारी आर्टिफिशियल है। अभी तो मैंने आपको बोला था कि इसका लोग बनाया था, गिरेगा तो इसके अंदर, ये पानी बहुत गंदा है, ये देख कितना गंदा पानी है, नजर नहीं आएगा। लगाने वाले नहीं होते, खाने वाले नहीं होते, उसके अंदर जाके रिपोर्ट करते थे। ये इतने इनके प्यारों की रिवर है, आवाज़ ठीक है आपको तो बड़ा ही शौक अटक रही है। वेरी सिमिलर, हाँ सिमिलर होगा फोटोग्राफ, ठीक है। ये देखे ये बर्मिंघम में है, बहुत प्यारा पार्क है। देखो आप वॉक करें थोड़ा, आप घर से बाहर निकले एक दिन थोड़ी सी वॉक करें, दूसरे दिन आप 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, उसके बाद 30 मिनट करें तो आपका जिस्म खुल जाता है, आप एक्टिव हो जाते हैं। तो मैं ये बैठी हुई थी तो जोया को भी आराम नहीं था, वो भी सही है, अब उसको पता चल गया कहाँ कहाँ इसके भी स्टाइल लेने हैं। वो भी देखो मैं लाइफ ही बैठी बातें करती हूँ, मैंने कहा चल मैं भी बोर ना ना हूँ, इन तो अपने खेलते खेलते रहते हैं तो इन्होंने अपने खेल है, दोनों को दोनों बिजी होते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो मैं साथ साथ बात करती हूँ, साथ साथ इनको भी देखती रहूँगी। तो ये देखो सोया कितनी अच्छी वीडियो बना लेती है, ट्रस्ट मी मेरे से अच्छी बनाती है वीडियो, मैं इतनी अच्छी नहीं बनाती हूँ। चले हमें वहाँ पे ना कोई फ्रेंड मिल गए, बच्चे पाकिस्तानी थे वो भी, तो वो कह रहे थे इधर दरिया है, मैंने कहा हाँ है, साफ पानी है, बच्चों को वहाँ लेके जाओ। तो हमें भी वहाँ पे फिर आना पड़ा, वैसे आइडिया हमारा यही नहीं था, हमने कहा चलो लेक पे थोड़ा सा चक्कर लगा के आते हैं। तो फिर हम उनको दिखाने के चक्कर में खुद भी दरिया तक पहुँच गए। और ये देखो ज़ियान के काम देखो, इसको वहाँ पर डंडा मिल गया, वो भी कहते होंगे भाई हम तो वैसे साफ़ पानी पूछ रहे थे, साफ़ पानी नहीं है, गंदा पानी है ना, बच्चों का दिल करता है कि पानी है तो हम इसके अंदर हम जाएँ, गर्मी का वेदर है ऊपर से सनी है, तो फिर ना लाइक करते, मेरे बच्चे तो पानी लाइक करते हैं। तो ये देखो ये सुल्तान राय की तरह इसने डंडा पकड़ लिया, ठीक है। हाँ देखिए इसको मैंने तरीका बताया कैसे पकड़ो, इसको अभी भी नहीं समझ आई कि कैसे पकड़ना है। अब दोबारा हाँ ऐसे वाला मैंने इसको बोला पकड़ो, लग रहा है ना कि अगला रोल ये कोई सुल्तान राय का कोई एक्शन मारना हो तो सुल्तान राय ज्ञान बन सकता है। एनीवे ये था मेरे बच्चों के साथ मेरा आज का दिन, आज का दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है ना, अभी तो ये टेनिस ख़त्म हुआ नहीं है हमारा, अभी तो हम टेनिस से वापस नहीं घर गए, घर जाके भी हमारी करतूतें होती हैं कुछ, हमने बैठना तो होता नहीं है। बहुत खूबसूरत जगह है वैसे ये, अब हम देखेंगे डब डेर बच्चों को लेके जाएं, क्योंकि बच्चों की ना बोट पड़ी हुई है, तो बच्चे यहाँ पे लेके ना, ये पत्थर है यहाँ पे और इतना डीप पानी नहीं है तो यहाँ पे बोट लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो ये ना थोड़े शार्प से है, यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं, पानी है चलता पानी है लेकिन इतना गहरा पानी नहीं है। ओ बच्चे भी देखो जान के पीछे पीछे पहुँच गए बेचारे, उनकी मम्मी डैडी, उसकी मम्मी कहती नहीं नहीं मैंने नहीं जाना मैं थक गई हूँ, तो फिर भी बेचारी ना आ गई और उसको अच्छा भी लगा मुझसे मिलके, ये कह रही थी मुझे अच्छा लगा वरना लोग इतने नखरेले होते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ जहाँ पे किसी को थोड़ा बहुत चाहिए हो, तो कोई बात नहीं मैं अगर वहाँ से चल के यहाँ तक आ गई तो मेरे बच्चों ने वैसे भी वहाँ भी मुझे इधर उधर दौड़े ही लगानी थी। मैंने कहा चल अब थोड़ी वीडियो बना लूँ, क्योंकि हम तो पहले भी इस रिवर में आए हुए हैं, बहुत दफ़ा मैं आई हूँ।
कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है यूके में बहुत लोग किसी की, क्योंकि मैंने अब तो कहीं पे भी आप चले जाओ दुनिया के ना किसी कोने में भी, तो लोग एक दूसरे की हेल्प करने के लिए राज़ी नहीं है। इतना वो सरे हुए अपनी ज़िंदगी से ना खुश है, इतनी हसद जेलस कि आप सोच भी नहीं सकते, एक दूसरे को देख के खुश नहीं रह सकते कि भाई ये खुश है या इसकी ज़िंदगी में अल्लाह ने इसको ज़्यादा दिया है या उसकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी ज़िंदगी में है लेकिन उसके पास नहीं है। जो आपके पास है आप उसका शुक्र अदा करें, जो हमारे पास है हम उनका शुक्र अदा करें। इससे पहले कि आप सब लोग भी ना मेरी बातों से उदास हो जाए, आगे बढ़ती हूँ आप पहुँच के मेरे में तो बहुत ज़बरदस्त भूख लगी और ਮੰਮੂ ਦੇਖੀ ਨਾ ਕਿਦਾਂ ਟੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕੇਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਲੜ ਪਤੇ ਬੋਤਲੇ ਮਾਰ ਦੇ ਡਰਿੰਕ ਕੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਬੋਤਲੇ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੋਤਲੇ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਦੇਖ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬੇ ਕੀ ਹਾਥ ਵੀ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੋਤਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕੋ ਨੇ ਲੈ पीछे भी पकड़ी थी सबने, वो देख वो भी पी रहे हैं, तो लड़ना ही है इन्होंने, हाइपर हो जाते हैं। इधर लग रहा जिदा इन्होंने कोई बड़ा दिन है, फुटबॉल मैच हो रहे थे तो बहुत बिजी था आज रोड सारा, तो मैंने कहा चले आप लोगों को दिखा दूँ कि ये गोरे भी अपना कैसे दिन मनाते हैं, कोई जैसे हमारे उधर होते हैं क्रिकेट होती है ना, जिस तरह इनका फुटबॉल है। तो ये देखो बेचारे सड़कों पर जलील हो रहे हैं, अखबार हो रहे हैं, नाल तो जन्म ही कर रहे हैं। तो उसके बाद जो जोया है ये देखो ये बता रही थी कि जारा जो है वो गाड़ी कैसे चलाने से पहले कैसे गाड़ी में आके बैठती है, तो अपने आप को शीशे में देखती है और फिर वो गाड़ी के अंदर आके स्ट्रेस होती है कि मेरे पास की किधर है, मेरे पास फलानी चीज़ किधर है। उसकी कॉपी कर रही थी और ध्यान कह रहा था नहीं गाड़ी में बैठ के ये काम नहीं करते, गाड़ी में बैठ के गाड़ी चलाते हैं। कई हाल है साढ़े बच्चे का। अच्छा मैं आपको बता दूँ कि जो बच्चे ना ये आजकल के बहुत तेज़ बच्ची है, ठीक है, इनका तो खैर मुकाबला ही कोई नहीं है। तो इनको वो चीज़ें पता हैं जो हमें नहीं पता, हमें तो बहुत देर बाद कुछ चीज़ें समझ आई थी, इनको तो अभी पता है। तो इनको ये है कि आजकल के बच्चों को भी ना आप इतना कम मत समझा करें, इनको भी सारा कुछ पता होता है।
ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਖਸਮੀ ਅਤੇ ਸਾਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਦਿਨ ਗਏ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮ ਚਲਤੇ ਹੈ ਘਰ ਕੀ ਤਰਫ। ਆਈ ਹੋਪ ਆਪ ਲੋਕੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਲੋਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਮਨੇ ਜੋ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਸੈਪਰੇਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 30 ਮਿੰਟ। ਤੋ ਆਪ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ 30 ਮਿੰਟ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕੋ ਕੋ ਦੀਏ। ਤੋ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ।